हम सेग्रीगेशन कर सकते हैं कि दर्शन मोह के उदय से कितनी है, एक, और चायत मोह के उदय से सात, कुल कितनी हो गई ऐसी अभी 11, ए दर्शनावरण के उदय से दो, वेदनी से 11, दो और 11 13, और मोहनी के उदय से 8, 7 और 1 8, 13 और 8 कितनी हो गई 21, फिर वेदनी के बाद मोहनी के बाद में आयु, नाम, गोत्र, इन तीनों के उदय से एक भी परीक्षा नहीं, और फिर अंत में अंतराय, उसके उदय से एक परीक्षा। अब कौन कौन सी है, जैसे ज्ञानावरण के उदय से कौन सी है, ज्ञानावरण प्रज्ञा ज्ञान है, ज्ञानावरण के उदय से प्रज्ञा अज्ञान है, फिर दर्शन मोह के उदय से अंतराय के उदय से एक एक, तो अपन एक सूत्र बना सकते हैं उन दोनों के लिए, एक एक के लिए ना अलग से, दर्शन मोह और उसका, है कि नहीं, क्या सूत्र बनाएंगे अपन, हाँ, दर्शन मोहांतरायो दर्शना लाभो, हो गया ना, ये सूत्र अपन बना सकते हैं, दर्शन मोहांतरायो दर्शना लाभो, दर्शन और मोहांतराय, दर्शन मोह और अंतराय के उदय से अदर्शन और अलाभ, ये दो परिचय होती, समझ में आया ना, उसकी षष्ठी विभक्ति लगी ना, दर्शन मोहांतरायो दर्शना लाभो, मतलब अदर्शन और अलाभ, दर्शन मोह और अंतराय के उदय से होती है, दो सूत्र हो गए। अब बचा कौन, देखो कितने कर्म हो गए 4, अब कितनी बची 11, तो वेदनी के उदय से, तो वेदनी की इतनी सारी नहीं लिखेंगे, वेदनी की आखिरी भी इकट्ठी निपटा देंगे। अब बचा एक चायत्र मोह, चायत्र मोह के उदय से जो जो होती है उनके नाम दे दो, तो चायत्र मोह है नागना न्यारति स्त्री चर्या स्त्री निषद्या आक्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा, ये हो गया एक सूत्र। फिर अब बचा वेदनी, तो वेदनी है शेषा, ये 4 सूत्र हो गए बड़ा बड़ा, समझ में कितने सरल, ज्ञानावरण ज्ञानावरण प्रज्ञा अज्ञान है, ज्ञानावरण के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान, दर्शन मोह और अंतराय के उदय से अदर्शन और अलाभ, एक सूत्र उसका हो गया, एक एक है ना वो, तुम दोनों को एक साथ ले लिया, और ये चायत मोह से 7 है, तो इसके लिए पूरा एक बड़ा सूत्र बनाया, और वेदनी के लिए सबसे आखिरी में, क्योंकि उसके 11 थे, तो 11 वाले को सबसे आखिरी में रख के कह दिया कि अब जितनी भी बची खुची है वो सब वेदनी के उदय से होने वाली है, इसलिए वेदनी है शेषा, कि 11 के नाम ज़्यादा बड़ा सूत्र बनता ना, और 7 में तो फिर भी इतना बड़ा सूत्र नहीं है, तो इसलिए उन सब के नाम दे दिए, जो जो जिन जिन के उदय से होती है उनके नाम दे दिए, और आखिरी में एक शब्द में शेषा के और पूरा सबको सब ले लिया 11 के 11, कितनी अच्छी स्टाइल से ये, यदि अपन खुद भी होते तो अपन यही करते कि नहीं करते, क्या निद्रा है नहीं, मतलब निषद्या सैया अलग है, सैया मतलब सोने की जगह, और सोना नहीं मिलना एक अलग बात है, और सोने की जगह कंकरीली होना, कंकड़ पत्थर से युक्त होना, वो अलग बात है, मेरा बिस्तर कैसा मिला है ये मेरे को अलग कर्म के उदय से मिलेगा, और मेरे को नींद नहीं आती इसमें अलग कर्म है, नहीं वो कह रहे निद्रा परिचय को निद्रा वर्ण कर्म के उदय से, निद्रा दर्शनावरणी कर्म का भेद है ना, तो उसमें डाल देते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि वो रियल में निद्रा से नहीं, निद्रा से संबंधित जो वस्तु है उससे रिलेशन है उसका, जिस पे सो रहे हैं भले ही अब वो के जैसे मैं कहता हूँ कई खटिया पे सो रहा और ज़्यादा सो रहा है तो उनको तो अलग चीज़ है, तो हैं हाँ, तो कंकड़ जो भी मतलब कोमल नरमदार वस्तु न भी हो तो भी उसमें दुख का अनुभव नहीं करते, तो परिचय से पड़ा था, परिश्रम को जीतते हो, परिश्रम को उसे हारते नहीं, परिश्रम देखो तो दुनियादारी वालों की जिंदगी और उनकी जिंदगी कितनी अलग है, दुनियादारी में लोगों सारे इंद्रियों के विषय मतलब
अच्छे बढ़िया सोफे बिस्तर इसी का उपयोग इसी की इसी को जुटाते कि नहीं जुटाते हैं। और मुनिराज उल्टा काम कर रहे हैं कि वो कंकड़ीली सैया जुटा रहे हैं, हम आरामदायक सैया जुटा रहे हैं और वो कंकड़ीली सैया में सो रहे हैं। क्या मैंने वो बिल्कुल विपरीत काम है। ग्रह संसारी गृहस्थों से उनकी जो प्रवृत्ति है बिल्कुल विपरीत है, यूं कहें गृहस्थियों की प्रवृत्ति उनसे विपरीत है। गृहस्थ अपने घर में सारी जितनी सामग्री जुटाता है वो परिश्रम हो एक भी परिश्रम ना हो इसके लिए जुटाता है, और इसीलिए तो अत्यधिक सुखिया भोगी लोग वो धर्म करने में थोड़े असमर्थ होते हैं। बहुत ज़्यादा सुखिया भोगने सुख भोगने की आदत हो जाए तो न ठंडी सहन हो न गर्मी सहन हो न भूख सहन हो न प्यास सहन हो न मच्छर सहन हो, आसन अच्छा चाहिए सैया चाहिए हैं, कंकड़ी की पत्थर नहीं होना चाहिए, जरा सा भी कोई मतलब कांटे नहीं चुभने चाहिए उसके लिए सब पूरी व्यवस्था करे, पूरा घर एकदम मच्छर मार दवाए जो जो भी आलम कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अपन देखो अपन ने जितने साधन जुटे अपनी जिंदगी में वो सब परिश्रमों के गुलामों के जोड़े हैं, हैं अपन ने क्या कर रखा अपने घर में, ठंडी की व्यवस्था कर रखी गर्मी के मौसम के लिए, ठंडी के अंदर गर्मी की व्यवस्था कर रखी है, भूख नहीं लगे इसके लिए खूब नाश्ता ही नाश्ता, सुबह भूख नहीं लगे तो नाश्ता कि भाई दोपहर तक इंतजार कर ले खाना बनेगा तब खा, नहीं सुबह से लग जाए तो क्या तैयार चीजें रखता आदमी तैयार, कि भूख नहीं सहन होना चाहिए, मैं भूख नहीं होनी चाहिए सहन नहीं होती, तैयार माल चाहिए कि सुबह सुबह उठते ही सेव चाहिए बोलो, पोहे चाहिए, भूख सहन नहीं होती प्यास सहन नहीं होती, पीने की सब सामग्री चाहिए गर्मी के दिनों में, ठंडा रंग वाला सुगंधित रसीला कोका कोला क्या क्या नाम है, पानी की प्यास बुझ सकती नहीं, सब चाहिए अपने को, अपन सारी व्यवस्थाएं करके चलते हैं। अपनी यात्राएं होती क्या होती, कोई परीक्षा सहन करने के थोड़ी नहीं होती है, मैं तो कहता हूँ कि ये सब परीक्षाओं से हार के हम परीक्षाओं को नहीं जीतते हैं बल्कि परीक्षाओं से घबरा के हम उनकी पूरी व्यवस्थाएं करके चलते हैं कि कोई परीक्षा नहीं आ जाए हमारे ऊपर। अब क्या हम मुनि बनेंगे, सारी तो हमने सामग्री जोड़ ली है हमको मुनि बनना है, हैं तुम अरे जो तुम्हारे सीधी साधी ठंडी गर्मी कभी कभी आती है उसके लिए तो साल में एक बार नहीं आई तकलीफ, उसके लिए तो तुम पूरी एक दिन रात एक कर देते कि एक दिन में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्या एक दिन में तकलीफ कैसे हो मेरे को, एक मच्छर भी घर में नहीं घुसना चाहिए उसके लिए तो पूरा भले ही अपना दिमाग खराब कर करेगा, बैठने की गद्दी गद्दे वद्दे सब अच्छे चाहिए, कोई बैठने में अनकम्फर्ट नहीं होना चाहिए, जरा नीचे बैठना पड़ जाए एक आध बार दिन में, ये क्या हो रहा है क्यों, सोने का पूरा एकदम एक दिन थोड़ी सी नींद में कमी हो जाए तो पूरा घर में देख लेख कैसे, आज नींद की कमी कैसे रहेगी, तब ये क्या नींद को जीतेगा, क्या नींद जीतेगा न क्या बैठक व्यवस्था जीतेगा न क्या चलना फिरना, चलने में बिल्कुल एकदम नंगे पाँव जरा सा चलाता नहीं लोगों से, एक आदमी मंदिर नंगे पाँव नहीं आता, एक आदमी आ जाए तो बोलो मंदिर नंगे पाँव तो दूर की बात है, खैर लोग तो वो गाड़ी वहीं तक ही रहती है बस, अभी पता नहीं अपने आप तो यहाँ चढ़ाओ भी नहीं अंदर ले आए कोई किसी दिन, तो वो भी भरोसा नहीं करे भगवान के सामने ही ला रहे हैं अभी तो वो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब कुछ दिन बाद अपन अपने जीते जी ये भी देख लें कि आदमी यहीं अंदर तक ले आए दर्शन करे और वहीं मोड़ के क्या, क्यों, क्योंकि किसी से परेशानी सहन करना, क्या तीर्थ क्षेत्रों पे इतनी व्यवस्थाएं इतनी सुविधाएं हैं कि मुझे लगता ही नहीं, मेरे को लगता है कि भगवान इनके कैसे थे जो जबरदस्ती गर्मी सहन करते हुए चले गए, इनके भक्त को तो सबको ऐसी चाहिए, ये कैसे भगवान की प्राप्ति करने आए हैं जिनके भक्त गर्मी सहन करते थे,
और आपको तो कोई परेशान सहन करना बिल्कुल इतना इनकम इतना सा भी अनकंफर्ट नहीं होना चाहिए इतना सा भी। क्या है गुलामी की क्या है बताओ? परिश्रम के हम गुलाम हो गए ना कि हमसे जरा सी समस्याएं सहन नहीं होती। अच्छा दूसरी बात यह है कि चलो तुम्हारे पुण्य का उदय है तो अभी तो तुम प्रतिकूलताएं के सामने तुमने उपाय छोड़ लिए, फिर भी आ जाती है प्रतिकूलता उसके बावजूद, लेकिन अपन ने कर लिया। लेकिन अपन अन्य पर्यायों में जहाँ अपने पास कोई साधन नहीं होगा वहाँ कैसे सहोगे तुम बताओ तो सही? ठंडी गर्मी भूख प्यास मच्छर है सैया चर्या निषद्या रोग तृण स्पर्श सत्कार पुरस्कार ये सब कैसे सहेगा जीव? अरे इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत परीक्षा जीवन में आए तो अच्छा है, देह से ममत्व घटेगा, थोड़ा रुचि घटेगी, क्या देह के प्रति निर्ममत्व भाव जागृत होगा, आकुलता कम होगी, जीवन में इंद्रिय विषयों में सुख बुद्धि घटेगी, क्या इंद्रिय विषयों में आसक्ति घटेगी, सुख बुद्धि राग घटेगा? तो उसके हित के लिए हो, नहीं तो राग भाव बना रहता। आप सारी व्यवस्था करके चलो, घर में कितनी व्यवस्था करके चलो, मैं कहता हूँ कितने नाश्ते बना के चल लो तो भी तुमको कभी संतुष्टि नहीं रहेगी, सुबह फिर कोई चीज़ याद आ जाएगी कि अभी ये हो गया आज ये चीज रहेगी, कल हुआ है तो जलेगी नहीं, जलेगी तो हुआ नहीं, और दोनों है तो तीसरी चीज़ याद आ जाएगी, जिराउन रह गया तो सेवन रहेगी। सब चीज़ें और नींबू रह गया तो अब जो है वो नहीं देख रहा है, वो बार बार नींबू याद आ रहा है। घर से चले थे सब था, सोचा था रास्ते से नींबू ले लेंगे और वही चूक गया सर। अब ये पूरा पोहा वोहा सब सब डला है यहाँ, सब जिराउन भी लिया है सेव भी लिया है पोहे भी अच्छे बने, ये नींबू क्यों ले गया पता नहीं क्यों, क्या सहन नहीं होती क्यों? क्या करें अभी मेरे को बताओ क्या सहन होगा अपने से? भूख सहन होगी, प्यास सहन होगी? त्रियंश पर्याय में अपन चले गए, अपन जाएंगे इसे यदि अपना पंच परावर्तन चलता रहा तो वहाँ क्या सहन करोगे तुम? न तुमसे अभी भूख सहन हो रही, न प्यास, न चुदा ए न शीत, न उष्ण, न दंश मशक, क्या मच्छर नहीं आए उसके लिए ऑल आउट लगाने को सब उसको मार डालने को तैयार है, नग्नता, क्या नग्नता सहन होगी तुमसे? देह पे कोई जरा सी इतनी सी भी ठंड गर्मी सहन नहीं होती है तो नग्नता में कैसे रहेगा? आरती के कारण रात दिन जरा से मिलते हैं वो दूर करने में लगे रहते हैं, कोई आरती नहीं हो, बोरिंग बिल्कुल नहीं हो, यहाँ से कहीं जाना है ना तो उसके पहले ही रद्दी के सारे साधन जोड़ लेते हैं, ट्रेन में जाना है तो गेम्स पहले ही, क्या आरती नहीं होना चाहिए? इतने घबराते हैं, कितने घबराता चित्त बोलो, 10 मिनट शांति से बिठाने बैठने में घबराता है, कैसे रहेगा मेरा, ट्रेन में जाऊंगा और मन नहीं लगेगा तो क्या करूंगा? तो इसके लिए विषय के कुछ भी साधन पहले से जोड़ के रखता है ताकि मेरा उपयोग उसमें लगा है, अखबार पढ़ता रहूँगा, अखबार ले क्या फॉर्म, कोई मैगजीन ले जाएगा, कुछ गेम खेले नहीं तो, अरे क्यों थोड़ी देर सोचो जरा अपने आत्मा के बारे में सोच लो, थोड़ा धर्म का सोच लो, कुछ ग्रंथ ले जाओ, नहीं आरति होती ना उससे, रति नहीं उसमें, आरति स्त्री चर्या सिया निषद्या आक्रोश जरा सा कोई आजकल किसी को सहन नहीं होता, इतनी सी कहना भी आपने इतनी सी बात कह दी तो लोग बिल्कुल सहन नहीं करते, कुछ नहीं सहन, अब वो कैसे मुनि अवस्था में तो लोग तेरे को आक्रोश के वचन कहेंगे, निंद है, गंदा है, मेला है, पशु है, अज्ञानी है, ढोर है, सब कहेंगे, अन्य बताओ लंबी सब कहेंगे, पत्थर मारेंगे, तुम कितना गुस्सा आएगा तुमको उस समय है? अभी तुमको जरा जरा सी बात सहन नहीं होती है जबकि कोई गुण नहीं है, और फिर तो तुम पूरी दुनिया पूजा करेगी और कोई तुम्हारी कह देगा, ऐसे जरा सा कोई कह देगा, निंदा भी कर देगा,
तुम्हारे अंतरंग में कितना क्रोध का उफान आएगा सोचो, क्योंकि सारी दुनिया पूज रही हो आपको, और ऐसे में कोई एक आदमी आपका अपमान कर दे तो गुस्सा बहुत आता है। दुनिया में जितने भी खतरनाक गुस्से हैं सब तपस्वियों के निकले हैं। क्या गृहस्थियों के गुस्सों से कभी नगरियां तबाह नहीं हुई है? नगर जो भी जले हैं वो तपस्वियों के आक्रोश से ही जले हैं, गुस्सा समाता ही नहीं है उनका। सारी दुनिया पूजा कर रही है, यहाँ तो हमारे लिए हार दान देने के लिए लाइन लगी हुई थी, और ये इधर हम आए और हमसे कह रहे ढोर है पशु है, तो समझते क्या है? हम ढोर है पशु है, देगा हमारे पास क्या रीति निकाल ली उन्हें प्रयोग कर लिया। जो इतने दिनों तक का क्षमा रूपी ढेर क्षमा रूपी धन इकट्ठा कर रखा था सब आग लगा दी एक सेकंड एक नहीं शास्त्र उदाहरण। तो तुम पहले गृहस्थ अवस्था में अपने को देखो, अपन कहाँ खड़े हैं। गुण नहीं होते हुए भी अपने से जरा जरा सी बातें सहन नहीं होती है, फिर बाद में कैसे सहन होएगा? सब लोग पूजा कर रहे होंगे लेकिन किसी एक आदमी को द्वेष बुद्धि हो जाएगी, तो द्वेष बुद्धि हो गई तो क्या देगा दो बातें तुम्हारे को? क्या कोई गलत फहमी हो जाए मुझे राज के बारे में तो क्या करें? उनके ही पाप कर्म का उदय, क्या समझाने गए सामने वाले ने क्या समझा? वो इसके हित की उपदेश दी और वो उसने उल्टा ले लिया। तो अब ऐसे में गुस्सा आना स्वाभाविक है ना, कि हम तो उपकार करने गए उपकारी का और उसने और उसका उल्टा प्रत्युत्कार किया, तो ऐसे गुस्सा जाएगा। तो तुम देख लो तुम्हारे से गुस्सा सहन होता है कि नहीं होता। देखो जिंदगी में भी वही व्यक्ति शांति से ले सकता है जिसके ये परीक्षा सहने की सामर्थ्य होगी, जो आत्मिक बल के आधार पर जिन परीक्षाओं को जीत सकेगा उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। मैं यदि ठंड गर्मी से हारा ही नहीं हूँ, भूख प्यास से नहीं हारा हूँ, धन समर्षक नागनन अरति स्त्री चर्या निषद्या सैया आक्रोश यदि मेरे कोई गुस्सा नहीं दिला सकता तो मेरी शांति कौन जीत सकता है? जीत सकता है क्यों? अपने को तीन लोग मिलकर यदि गुस्सा दिलाना आए और अपने गुस्सा नहीं आए तो अपनी शांति कहाँ भंग हुई? आनंद में तो ये सब है। वध करेंगे लोग मारेंगे चाबुक से मारेंगे पीड़ेंगे तो उसको क्या करना? अरे समता रूपी अमृत से उसको उस क्रोध रूपी अग्नि को बुझाना। तो ये परीक्षा अपन तो इसका इलाज करते, कोई कुछ कह नहीं दे अपने को, हम लोग हमारे को इतना भी नहीं कह दे कह रहे तुम्हारा घर कैसा हो रहा है, इतनी सी बात भी हमको सुनना पसंद नहीं है। इसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार है, और वो मुनिराज जब बनेंगे तो इतनी नहीं तुमको सारे शरीर को गाली देंगे कि ये शरीर कैसा गंदा है, महामलिन है, देह पूरी मलिन हो रही है, क्या इसमें विकृति विकृति है, दस के बीमारी का घर है, तुम बीमारी लेके चल रहे हो, मतलब सब कहेंगे अज्ञानी लोग तो सहन नहीं होंगे तुमसे तो क्या होगा? गुस्सा है। वध करेंगे लोग मारेंगे चाबुक से पीटेंगे तो गुस्सा है। समझ में याचना परीक्षा, क्या याचना परीक्षा? मांगना के लिए तो अभी कोई नहीं करता, परंतु पहले देखो तुम यही अभी मांगने लग गए तो वहां भी मांगने लग जाओ। लाभ भिक्षा का लाभ नहीं होने पर आपलित नहीं होना, रोग होने पर दुखी नहीं होना, तृण का स्पर्श होने पर दुखी नहीं होना, मल इतने दिनों का मल जमा हो दुखी नहीं होना, कोई सत्कार पुरस्कार नहीं करे तो दुखी नहीं होना, ज्ञान अधिक हो उसका घमंड नहीं होना, अज्ञान होने पर दीनहीन भावना नहीं लाना, श्रद्धा से विचलित नहीं होना कि इतने दिन तक तपस्या कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा परिचय है मुनि अवस्था की। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारी परिणति और उनकी परिणति बिल्कुल अलग है। क्या हम तो कर्म का उदय नहीं आए इसके लिए लगे रहते हैं, फिर भी उदय आता है। परीक्षा हम कितने उपाय करते हैं तो भी उदय आ जाता है, और मुनिराज तो स्वयं जाके उस कर्म के उदय को लाने के लिए तैयार रहते हैं। आओ
जिस कर्म के उदय को अनाव आओ, हम स्वयं उस परीक्षा को सहन करने के, परीक्षा को सहने के लिए, जीतने के लिए हम स्वयं तैयार हैं। काय का बल है उसका बताओ, किस बात का बल है? सारी दुनिया इन परेशानियों से दूर होने के लिए सारे उपाय कर रही है, और मुनिराज खुद आगे बढ़ के उन परेशानियों की को सहन करने के लिए उपस्थित हुए। काय का बल है? चैतन्य आत्मा का बल है, आत्म साधना का, आत्मा की रुचि है इतनी, अपने काम करने का अत्यंत हर्ष है, इसलिए सब परीक्षा परेशानी दिखता है। तो खैर अपन तो ये कह रहे थे कि कितने परीक्षा ये जीतते हैं ना, ये चाय कर्मों के उदय से होने वाले, कौन कौन से, नांगनन्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार के साथ। अब देखो, अब अपन ने इसके बाद में फिर इसके पहले के तीन सूत्र किए थे कि कौन से उदय, कौन से गुणस्थान तक कौन कौन से परीक्षा होते हैं। है सब में है, उसको दे देंगे ना एक साथ इकट्ठे, सब में है, एक लाइन में दे दिया सारे, 14 है, 11 है, बता दिया। पहले गुणस्थानों के हिसाब से देखो सब, देखो क्या है कि बादर सांप्राय तक सब है, ठीक है। अब उसके बाद में सूक्ष्म सांप्राय और छन्मस्थ वित्रागी और चतुर्दश, सूक्ष्म सांप्राय और छन्मस्थ वितराग के 14 है, तो सब है एक बार के दिया, फिर इनके 14 है तो वो 8 क्यों नहीं है, वो बात आएगी ना। अभी ये बताना है हमारे को कि इनको 14 है और बाकी को सब है, तो हम ऐड कर रहे हैं यहाँ और ये माइनस कर रहे हैं, ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली इसमें जो प्रोसेस है वो एडिशनल प्रोसेस है, तो 11 तो लिया, तो इसलिए 11 में तो क्वेश्चन उठाए ना उन्होंने कि वहाँ एक भी नहीं होना चाहिए, यह कर्म के उदय से कहे क्यों आप, और भी इसमें हेतु दिए होंगे, अपन सोचेंगे इसके बारे में और क्या है। पहले सूक्ष्म सांप्राय में 14 के और फिर बादर सांप्राय के सब कही ना, अब वो कि भाई इन इनके अंदर ये नहीं है, मैंने सूक्ष्म सांप्राय में ये चीज़ जो है नहीं है, अब ये सूक्ष्म सांप्राय में नहीं है तो वो बादर सांप्राय में ये क्लियर निकलता है, हमने वो होना तो वह सूक्ष्म सांप्राय में भी नहीं चाहिए थी, ये सूक्ष्म सांप्राय में भी होनी चाहिए थी, लेकिन जब हमने वहाँ नहीं कही, जो जैसे वो थी ना अपनी लोभ के उदय से भी वो अयाचना है, तो ये परीक्षा वहाँ हो सकती थी, लेकिन तो भी उन्होंने उसका निषेध किया कि नहीं, सूक्ष्म लोभ के उदय में संभव नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक निकलता है ना कि भाई बादल लोभ में संभव है, तो बादल लोभ में परीक्षा है, सूक्ष्म लोभ में नहीं कही, बादल लोभ में है। क्या और फिर कर्म के उदय से भी जोड़ा ना उन्होंने उसको कि भाई ये यहाँ पर ये पहले तो कर्म का उदय तो बाद में आया, एक्चुअली पहले तो ये विषय है, अपन ने वो सूत्र 4 पहले पढ़ लिए और ये 3 सूत्र तो बाद के हैं, ये 3 सूत्र पहले के हैं और वो 4 सूत्र बाद के हैं। पहले तो ये पहले तो उन्होंने सीधे बता दिया किन किन के है,
और फिर उससे उन्होंने वो ये उन कर्मों के उदय से होते हैं, क्योंकि इन गुणस्थानों में हैं, इसलिए ये गुणस्थान में होने से इन कर्मों का उदय वहां तक है, ये बताया है। ठीक है ना, पिछली बार कही थी ना मैंने ये सब बातें इसकी, कि भाई सुख सांप्राय और छद्मस्थ वितरागिन कितनी परीक्षा कही। देखो वहां कौन कौन से कर्म का उदय, उससे लगाओ ना, सुख सांप्राय में कौन कौन सा कर्म है, मौनी है लेकिन वो सूक्ष्म लोभ का उदय है, तो उसको उन्होंने कहा कि वो है नहीं है बराबर, वो सूक्ष्म लोभ का उदय किसी मैंने परीक्षा को उत्पन्न करे ऐसी ताकत उसकी नहीं है, और वो सूक्ष्म लोभ केवल लोभ मात्र है और उसके उदय से कोई परीक्षा नहीं होती, वो अति सूक्ष्म होता है, इसलिए वो छद्मस्थ वितराग के समान है। और छद्मस्थ वितराग अर्थात ज्ञानवान बारवा गुणस्थान, तो ज्ञानवान बारवा गुणस्थान में कितनी परीक्षा है, कितने कर्म का उदय है, सात कर्मों का उदय है, एक अकेले मोहनी का उदय नहीं है, तो मोहनी के उदय से होने वाली जितनी परीक्षा है वो माइनस कर दो, तो मोहनी के उदय से कितनी परीक्षा होती है, आठ, तो 22 में से 8 माइनस कर दो तो कितनी बची, 14, तो इसलिए सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्थ वितराग योग चतुर्दश खत्म। अब अनंत भगवान पे आ जाओ, अनंत भगवान में कितनी होती है, किसान वहां कितने कर्मों का उदय है, चार, चार कर्मों से, तो चार कर्मों के उदय, चार कर्मों का अभाव है तो चार कर्मों की माइनस कर दो, कौन कौन से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी और अंतराय, तो दर्शनावरण के उदय से तो कोई है नहीं, ज्ञानावरण के उदय से कितनी है, दो, मौनी के उदय से 8, अंतराय के उदय से 1, तो कुल कितनी हो गई, 11, तो 11 चली गई, तो बची कितनी, 11, एकादश जिन्हें अनंत भगवान में कितनी है, एकादश, 11, बस। फिर अंत में बादर सांप्राय, सामान 10वें 9वें गुणस्थान तक बादर सांप्राय, तो अब सबको इकट्ठी की बादर सांप्राय है तो सर्वे, बादर सांप्राय सर्वे, छद्मस्थ इसलिए कहते हैं जिनको केवल ज्ञान नहीं हो सब छद्मस्थ कहलाते हैं, सारे संसारी जीवों की छद्मस्थ संज्ञा है, छद्म माने अल्प ज्ञान और उस्थ माने स्थित है, जो अल्प ज्ञान में स्थित है वे छद्मस्थ कहलाते हैं, और चूंकि वे वीतरागी हैं इसलिए वे छद्मस्थ वीतराग कहलाते हैं, तो 11वें 12वें गुणस्थान वाले की संज्ञा है छद्मस्थ वीतराग। ये सब अबुद्धिपूर्वक, देखो परीक्षाओं का उपचार ही नीचे के गुणस्थानों, परीक्षा वास्तव में नीचे के गुणस्थानों में होते हैं, 6वें 7वें गुणस्थान में, लेकिन ऊपर इनका उपचार किया कर्म का सद्भाव बतलाने के लिए, उसी की तो पूरी बहस है, ये तो अपन पढ़ रहे हैं, खासकर सबसे ज़्यादा बहस तो केवली भगवान पे की है, कि केवली भगवान की 11 परीक्षा कह दिया आपने, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या सैया, रोग, तृण स्पर्श, मल, तो ये जो है ये इससे तो श्वेतांबर मत खड़ा, वही अपने तो सूत्र ला के बताते हैं ये क्या लिखा है, एकादश जी ने 11 परीक्षा, तुम भी कह रहे हो, हम भी कह रहे हैं, भगवान में 11 परीक्षा होती है, उनको भूख लगती है इसलिए वो भूख लगती है तो इसलिए कौला हार करते हैं, अनंत भगवान के हार करते हैं, और जब भूख लगेगी तो फिर इधर उधर जाएंगे ही, और फिर गए वो, फिर उनको बीमारी हो गई, फिर दवाई दी, फिर ये हुआ और वो हुआ, सारी कहानियाँ उस पर तो आधारित बनी हुई है, नहीं कहानी बनी हुई है इसी, उन्होंने उस कहानियों में ठोका अपने मन से सब, भगवान को मांसाहारी तक बता दिया,
हाँ रोग भी होता सब असाधा वेदनी के होते थे, जो जो थी सब ले लिए उन्होंने, पकड़ा गला पकड़ के निकाल ली थी। अब यहाँ किस अपेक्षा से कहीं को समझे, यहाँ पे यहाँ केवल कर्म का सद्भाव दिखलाने के लिए है। जैसे ध्यान का उदाहरण दिया था कि ध्यान असाधा का भी उदय है तेरहवें तक, समुद्र में भूत बराबर है, असाधा का उदय है तेरहवें तक। क्या होता है कर्म जो होता है ना, कर्णानियोग की विवक्षा ही अलग होती है। कर्णानियोग तो समुद्र में एक बूंद भी होएगी तो वहां पे भी उसका सद्भाव बता है। अब ये जो स्टाइल नहीं समझते हैं तो वो कुछ भी लगा लेते हैं क्या। अब नवे गुणस्था में वेद का सद्भाव, बोलो नवे तो वेद का सद्भाव, छठे सातवें में तो कोई दिक्कत ही नहीं। अरे तो उसका क्या मतलब है, वहां वेद का सद्भाव तो महावृत्ति होते हैं क्या, उनके वेद संज्ञा क्या मतलब है। अबुद्धिपूर्वक रहा कोई सूक्ष्म कहीं रहा उसकी अपेक्षा से उन्होंने नवे गुणस्थान तक वेद संज्ञा कही। लोभ सूक्ष्म लोभ दसवें तक है तो उसका क्या मतलब है, वो लोभ करते हैं दसवें तक। कोई अबुद्धिपूर्वक रागांश शेष रहा जो कि केवली भगवान गम में, उसकी अपेक्षा से उन्होंने दसवें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ कह दिया, ऐसे भय संज्ञा कही आठवें गुणस्थान। तो ये सब कहे तो इसलिए कि ये बूंद भी है जहाँ तक तो वहाँ तक कहेंगे ना, और अभाव कहते हैं नहीं वहां पे तो फिर वो जरा भी रहेगी तो फिर उसका सद्भाव नहीं हुआ। वो भाई अभाव कहने का क्या मतलब है, कोई तो एक अनियोग तो ऐसा लेके आना पड़ेगा ना जो प्योर वर्णन करे कि भाई जहां तक इतना सा भी हो तो आप कहो कि हाँ यहाँ है, और जब पूरा अभाव हो जाए तब आप कहो कि यहाँ नहीं है। तो वो बेचारा करना नहीं, वो काम करता है और ये उसकी बारीक चीजें निकाल लाते हैं और निकाल निकाल के और फिर इसको स्थूल लगा देते हैं कि देखो यहाँ कई है मुनिराज के भी नवे गुणस्थान तक वेद संज्ञा है, तो इसलिए वेद संज्ञा है उनको, वेद की इच्छा होती है इसलिए कोई दोष नहीं है उसमें, भूख भी लगती है। सब आठवें से अबुद्धिपूर्वक है, आठवें से अबुद्धिपूर्वक प्योर, आठवें गुणस्थान से श्रेणी चालू हो जाती है, वहां से जो काम होता है वो सब ध्यान अवस्था रूप होता है और वो जो कुछ भी राधा अंश है वहाँ बुद्धिपूर्वक है। छठे सातवें में जब जुड़ते हैं तब तो फिर भी सब कुछ है, लेकिन आठवां जो शुक्ल ध्यान जहाँ से मतलब शुक्ल ध्यान का प्रारंभिक पाया चालू हुआ, श्रेणी का कार्य चालू हुआ, वहाँ फिर ये सब परीक्षा आदि के विकल्प ही नहीं होते। वो तो जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वज भेद लिया, कुछ भी नहीं वहाँ, छुदान त्रषान शीत न उष्ण सब कुछ नहीं। वहाँ तो उपसर्ग आते हैं तो उसको उस पर उपयोग नहीं देते, बड़ा परिषद क्या चीज है। मैंने उन उपसर्गों के काल में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उन्होंने उपसर्ग को उपसर्ग नहीं सहा, मैंने उपसर्ग रूप अनुभवा नहीं, तो ये क्या परिषद को अनुभवेंगे क्या, जो उपसर्ग मतलब सियालनी खा रही है जो उसको अनुभवे तो फिर ये विचार आए अरे यार ये मच्छर भी काट रही है ना। जिनको वो जिनको उपसर्ग नहीं उपसर्ग की बाधा नहीं अनुभूत हुई वो क्या मच्छर के उनको परिचय कहना, दंश मशक परिचय कहना ये मजाक में तो और क्या है। था तीन दिन तक तो उनका छठे सातवां था, पर छठे सातवें में भी उनकी कितनी ध्यानस्थ अवस्था थी। ज्ञान तो तब भी लेता है लेकिन उनके धैर्य की और उनके आत्मिक बल की और अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति की और तीन कषाय के अभाव की इतनी ताकत रहती है कि उसके बल से जीत लेते हैं। चलता रहा कोई उसी समय कोई श्रेणी मान लेता हर जीव ऐसा जरूरी थी, छठे सातवें के काल में भी अनेक उपसर्ग परिषद होते थे लेकिन वहाँ तो फिर भी ये अपन मान सकते हैं कि भाई छठा गुणस्थान है तो ये उपयोग गया उस पर, लेकिन जहाँ से श्रेणी चढ़ता है तो वो तो बात ही उसकी अलग होती है, उसकी विशुद्धि की ताकत ही अलग हो जाती है। मैंने उसकी जाति की विशुद्धि होती है कि वो ये सब इतना भी दुख का अनुभव नहीं करता उसमें, मैंने उसकी आत्मिक स्थिरता आत्मिक आनंद की अनुभूति आनंद गुना बढ़ जाती है। तो आठवां और छठे सातवें में अंतर है लेकिन बहुत बड़ा,
छठे सातवें में तो ये सब चीज़ें परिचय आदि का ज्ञान होना, और यहाँ तक कि उदीर्णा भी होती है, असाता वेदने की भूख भी होती है, प्यास भी होती है, छठे गुणस्थान में भूख भी लगती है। असाता की उदीर्णा कही है छठे गुणस्थान तक, आहार संज्ञा कही है छठे तक, सब कहे हैं। लेकिन सातवें आठवें के ऊपर ये सब काम नहीं है, और इसलिए यहाँ तो वहाँ भी कहे हैं ना, अपने को भी सातवें आठवें में दिक्कत आ रही है कि ये नहीं होना चाहिए, और वहाँ तो उन्होंने ग्यारहवें में कह दिए, तो अब वो तो गले कैसे उतरे अपन के। तो इसलिए सब प्रश्न किए थे उन्होंने कि आपने ग्यारहवें में कैसे कह दिए, तो उन्होंने कहा भैया उपचार है यार, भाई उपचार है समझो इसको, जैसे तेरहवें चौदहवें गुणस्थान में ध्यान नहीं होता क्योंकि वहाँ तो केवल ज्ञान है, अब किस में एक में एकाग्र अपना उपयोग करें, है कि नहीं, तो भी ध्यान कहा है क्यों, क्योंकि ध्यान का फल वहाँ पर भी है, ध्यान का फल है कर्मों की निद्रा, वो तेरहवें जोड़े चौदह गुणस्थान में प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसके फल को देखकर हमने तेरहवें चौदह में ध्यान कह दिया है। ऐसे तुम यहाँ भी समझ लो कि कर्म का उदय है समुद्र में बूंद बराबर, असाता वेदनी का उदय यहाँ तक है, ये बात बताने के लिए हमने यहाँ पर ग्यारह परिषद कह दिए हैं, लेकिन वास्तव में ये वैसे परिषद नहीं है जैसे तुम समझते हो, और इसलिए तुमने जो भगवान का स्वरूप विकृत किया है गलत है। ये करना नहीं होती वृक्षा चल, इसलिए तो कहते हैं अनियोग की शैली ख्याल होना चाहिए। यदि ये चरणानियोग के ग्रंथ में मिल जाए कि सामा भूख प्यास होती है, तो वो फिर मुनिराज का स्वरूप ही अलग हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन ये चरणानियोग में नहीं कहा है, ये कौन सा नियोग का कथन है कि दसवें तक लोभ है, करणानियोग का है, नवे तक वेद है करणानियोग का है, और करणानियोग धर्म काटा मैंने वो एक रत्ती बराबर भी होगा इतना सा भी तो भी वो उसके सद्भाव को कहेगा, और जब तक पूरा अभाव नहीं होता तब तक वो कहता है। और चरणानियोग की अपेक्षा से बात करो तो चरणानियोग तो कहता है कि ब्रह्मचर्य सातवीं प्रतिमा वाले के ही हो जाता है, सातवीं प्रतिमा वाले के स्वयं स्त्री का भी त्याग हो जाता है, फिर तो सातवीं प्रतिमाधारी गृहस्थ है और उसके स्वयं स्त्री का त्याग है और ब्रह्मचारी है, ये चरणानियोग की अपेक्षा। यद्यपि मनोवचन काय कृत्य कर्म बोलना से नौ कोटि जैसा त्याग होना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन तो भी स्थूल भी स्वय स्त्री को छोड़ दिया मैंने तो भी उसको क्या कहा जाता है लोक में ब्रह्मचारी का। चरणानियोग तो थोड़ा भी करता है तो वो उसको पूरा वृत्ति कह देता है, और करणानियोग तो वो महावृत्ति होते हैं उनमें भी वो निकालता है, और द्रव्यानियोग पूरा आत्मा के अनुभव के ऊपर चलता है, सम्यक दर्शन आत्मा का, कितनी अनुभूति है, कितनी कषाय का भाव है, श्रद्धा कैसी चल रही है, आत्मा का बल कितना है, वो उसके आधार पर कहता है, वो उसको कोई मतलब हो तो न इधर देखता है न उधर, उसकी बात एक ही चलती बस, स्वरूप अनुभव और स्वरूप स्थिर। द्रव्यानियोग की शैली यही है क्या, यदि तुम द्रव्यानियोग का शास्त्र लाओगे तो वो वहीं से ही बात करेगा, वो उसमें वक्ता है कि कोई गड़बड़ नहीं है, वो द्रव्यानियोग आत्मा के अलावा कोई बात ही नहीं करता, उसका आदि अंत और मध्य आत्मा ही है, वो कहता है आत्मा में स्थिरता बड़ी इससे ऊपर चढ़े हैं, वो जिसको आत्मा में स्थिरता होती है वो इनको इन वो उसका उन पर उपयोग ही नहीं जाता है, वो तो परिषयों को इसमें भी आया ना कि परिषयों को आत्मिक रस के बल से जीत लेते हैं, आत्मिक आनंद के बल से जीत लेते हैं, आत्मानुभव के बल से जीत लेते हैं, समता रूपी रस के माध्यम से जीत लेते हैं, वो वहीं से चलता है। वो ये कहता है अंदर का स्वाद होगा तो सब हो जाएगा, ये सब कुछ चीज नहीं, जिसको आत्मा का रस होगा वो ये ग्यारह परिषय तो क्या अरे असंख्यात परिषय जीत ले। अरे ये तो अपने को लौकिक में अकल होती नहीं होती है, अपन वहां गए सुनार क्या यार, ये तुमने कैसा तराजू रख रखा, वो किराने वाला रख इतना ऐसा बारीक बिल्कुल यूं पांच मिनट से खड़ा हूं मैं और वही यूं देख रहा हूँ, क्या तेरा कभी इधर हो जाता कभी इधर हो जाता, अब हमको दो जरा सा सोना नहीं लेना है, और सोना लेने के अंदर तूने आधा घंटा तो वजन नहीं कर लिया इधर उधर, हीरा देना हीरा, सोना तो फिर भी चलो आज तो इतनी सी कांटे में तो बेचारे की निकल जाएगी सर, इतना तो मार्जिन है उसका, और वो कह रहे तुम कि यार दे दो एक आध ज्यादा, एक आध ज्यादा दे देंगे
तो भैया हम ऐसे हमारा बचेगा ही क्या, क्योंकि एक मासा भी अरबों रुपए का है। तो अपन समझते कि यहाँ ऐसे ही तुलता है, यहाँ यहाँ पे तुलने की, और सब्जी वाले के वैसे के काटा हो टन टन टन, तो आदमी को ऐसा गुस्सा आएगा, तो दिमाग खराब है, यहाँ क्या हीरे तुल रहे हैं जो ऐसे तुल रही है तू है। बड़ा बट डाल, एक इधर ज्यादा आ गया इधर कम आ गया, क्या फर्क पड़ना, 2 रुपये ज्यादा ले ले, 8 रुपये की जगह 10 ले, परंतु टाइम मत खोटी करा करते क्या। और कोई उसके बाट वाट और कोई उस पर ज्यादा वो नहीं करता नून अच, और किराने वाले के किराने की रहती, तो अपन समझते हैं कि भाई इसको इस तरह से तोला जाता है, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, यहाँ इसकी ऐसी शरीर ऐसी। ऐसे अपने को भी समझना होता है कि चढ़ना नियोग स्थूल ही ग्रहण करता है और करना नियोग बारीक ग्रहण करता है, अध्यात्म आत्मा की तरफ से बात करता है। अब इसमें क्या है, अपनी अपनी जगह सब सही है, बाहर की अपेक्षा से किसी को धर्म में जोड़ना है तो अपन चढ़ना नियोग से ही जोड़ेंगे, उससे ये नहीं कि क्या तुम्हें आत्मा का तो कोई रस ही नहीं, उसको पहले ही दिन ऐसे कहेंगे तो बेचारा आदमी समझेगा ही नहीं। तो हम उसको पहले आदमी आए करे समझेगा, धर्म में रुचि तो हो उसको, और फिर अपन उसको कहेंगे कि देखो ये जो तुमने कर लिया है तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ इससे, क्या अभी तुम अब जरा थोड़ा और समझो इसको कि वास्तविक धर्म क्या है। और फिर करना नहीं हो तो और कहेगा इतना होने के बाद भी कि क्या है भैया तेरे अभी तक कषाय बची हुई है, इतनी अभी और बची हुई है, अभी इतनी और बची है, अभी इतनी का अभाव होगा तो हम कहेंगे कि ये इतना ही हुआ, वीतरागी संगी इसको तब देते हैं जब पूरा राग चला जाता है। तो जब तक तो हमको वीतरागी कहोगे तब तक तो हमारे काम का ही नहीं रहेगा वीतरागी खिलाना, क्योंकि हम तो वीतरागी हो गए होंगे। तो वो अपन अब इसलिए अब बताओ इसमें कौन सा तराजू गलत है, मेरे को बताओ तराजू कौन सा गलत है। अपनी अपनी जगह तीनों से, और दूसरी जगह ले जाओ तो तीनों गलत है। सराफे का तराजू किराने की दुकान पे लगाओगे तो किराने की दुकान का दिवालिया निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि लोग उतना धैर्य नहीं देगा। और वही यदि सब्जी वाले के ले गए तो फिर तो लोगों का ऐसा दिमाग खराब होएगा, क्योंकि सब्जी वाले इतना धैर्य कोई रखे। वो मशीन भी होती है ना इलेक्ट्रॉनिक, उसमें भी टाइम लगता है 2-5 सेकंड, देर 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 तक, और इतनी बारीक हिसाब करे वो कैलकुलेटर सब्जी वाला 2.225 ग्राम्स। सब्जी सब्जी के हिसाब से बिकेगी, हिंदुस्तान में चाहे कितनी तरक्की हो जाए, ये जो कह रहे हैं ना ये सब कार्ड वार्ड ये सब बेकार की बातें हैं, सब्जी तो सब्जी के हिसाब से बिकेगी ना क्या, क्यों कि वहां पे भी वो बेचारी भाइयां मशीनें लेके और कार्ड लेके चलेगी, वो वहां स्वैप करेगी, वो वहां पे बिजली तो दे नहीं पा रहे हैं उनको, तो इसलिए वहां वही तराजू सही है और वो बराबर यथार्थ जहाँ की जो ही चलेगी क्या। ये ऊपर बैठने वाला सराफा वाला भले ही कहे कि सबको ये वाला तराजू दे दो, नहीं भैया तराजू बेचारा आदमी के काम का भी तो होना चाहिए ना। क्यों, तो इसलिए सब तरह के लोग हैं, जो जीव अभी निचली भूमिका में स्थित है उनको हम यदि ऐसी बातें कहते रहें कि 12वें गुणस्थान के पहले वीतरागी होता ही नहीं है तो उनके लिए मार्ग के ही रास्ते ही बंद हो जाएंगे, कोई मार्ग ही नहीं रहा, बताओ तो उनके लिए हम क्या कहेंगे, उनके लिए कौन सा तराजू चाहिए होता। हाँ सब्जी वाला तराजू चाहिए, हम उनको मोटा मोटा ही नापेंगे, मोटा मोटा भी धर्म कर रहा है ठीक है, नहीं भले से कुछ भला अच्छा, और प्रथमा नियोग भी उसकी तारीफ करेगा। अभी समझने वाले समझते हैं कि ये अभी इसकी शैली है, प्रथमा नियोग की शैली ऐसी कौए का मांस भी छोड़ दिया तारीफ कर देगा उसे, ये उसका गुण ग्रहण करता है, ये कभी भी किसी की ज़्यादा खींचातानी नहीं करता, वो करना नियोग वाला आएगा क्या। और वो तो वो जो है जिसको अपन सब सर्टिफिकेट से पास करेंगे ये उसको फेल कर देगा, समझ रहे ना। तो ये विवक्षा समझ लेते हैं जो लोग, उनको कोई भ्रम नहीं होता है, वो ये जानते हैं कि संयोग की अपेक्षा से कहाँ गया है।
तीसरा नियम में ऐसे ही कथन होता है, करना नियम में ऐसे कथन होता है, चरणा नियम में ऐसे। और जो अनियोग की कथन पद्धति नहीं समझते हैं तो भगवान को भूख लगती है, प्यास लगती है, उनको रोग हो जाता है, क्या नया धर्म ही खड़ा चालू हो गया। बोलो, अब एक सूत्र से उन्होंने अर्थ नहीं समझ पाने के कारण पूरा एक मत ही खड़ा कर दिया, और जो इतना धीरे धीरे इतना फैलता गया कि वो पूरा एक स्वतंत्र धर्म बन गया। वो बन गया कि नहीं बन गया, ये अपन पढ़ रहे थे। देखो इसका विशेषार्थ, देखो अपन ने विशेषार्थ छोड़ दिया, पेज नंबर निकालो 338। जिन भगवान के असाता वेदनी का उदय होता है, किनके, जिन भगवान की, जिन भगवान की, जिन भगवान असाता वेदनी का उदय होता है। देखो ध्यान रखो कि क्या एक्चुअल में कुछ तो अपने को पता होना चाहिए सिद्धांत। वेद असाता वेदनी का उदय 13वें तक का, अब फिर इसके ऊपर प्रश्न है कि भाई ऐसा उदय होता है कि वो समुद्र में बूंद जैसा है, कैसा है वो समझ, उसकी ताकत नहीं, उदय तो है उदय। और यह क्षुधादि वेदना का कारण जनरली क्या होता है, देखो असाता वेदनी का उदय किसका कारण है, अरे असाता वेदनी का कारण है क्षुधादि वेदना का कारण। इसलिए जिन भगवान के कारण की दृष्टि से क्षुधादि परिषद कहे जाते हैं वो कारण विद्यमान है, भले कारण नहीं है लेकिन कारण के अंदर उपचार कर दिया। वहाँ भी असाता वेदनी है, नीचे वालों को असाता वेदनी से भूख लगती थी, ऊपर वालों को भी असाता वेदनी का उदय है, भले भूख नहीं लगे ऐसा उदय नहीं है तो भी हमने यहाँ के लिए। अच्छा क्या होता है कई बार कुछ चीज़ें जैसे पहले कही जाती है तो मालूम तो ही नहीं होती कि कौन इसके क्या उल्टा अर्थ निकालेगा। उमा स्वामी आचार्य तो लिख के चले गए और उनको क्या मालूम कि इतने महापुरुष भी लोग आएंगे जो हमारे सूत्रों में से ऐसे अर्थ भी निकालेंगे कि भैया 11 परीक्षा कही है भगवान के, उसमें एक क्षुधा भी लिखी है, भूख लगती है, प्यास लगती है, वो भी समोषण छोड़ के चले जाते हैं बीच बीच में, तो आखिर भगवान भी छोड़ के चले ही जाते हैं। और फिर कहाँ जाते हैं, फिर उसकी फिर कहाँ नहीं आना, फलाने सेठ क्या कहें, VIP उनका सेठ तब भी उनके लिए VIP था, बोलो कहानियाँ भी ऐसी बिल्कुल बचकानी कहानियाँ हैं, कोई तथ्य नहीं। मैं तो कितनी बार पढ़ी उन कहानियों में, कुछ तो कुछ भी नहीं है एकदम। मेरे पास मैं वहाँ था ना ही, तो मेरे पास हमेशा आती थी वो बुक्स वगैरह चेकिंग के लिए कि ये देख लो और कुछ इसके अंदर हो तो सुधार कर लो। तो मैंने कहा इसमें सुधार क्या करूँ मैं, सुधार तो वहाँ किया जाए या कुछ कहानी हो, जो पूरी कहानी उल्टी हो उसमें क्या सुधार करूँ। और तब मुझे पता भी चला कि ये लोग कितनी, इनकी विपरीतता है कितनी, कितनी विपरीतता है, माने ये तो वास्तव में जिन, ये तो पूरा जिन्होंने जिन धर्म में विपरीतता कर रखी, भगवान के स्वरूप को पूरा विपरीत बना रखा। पर क्या सचमुच में जिन भगवान के क्षुधादि 11 परीक्षा होते हैं, यह एक प्रश्न है जिसका समाधान टीका में दो प्रकार से किया है। पहले तो जिन भगवान के क्षुधादि परीक्षा होने के कारण के सद्भाव की अपेक्षा, कि परीक्षा होने में कारण कौन है, वेदनी, उसका सद्भाव है कि नहीं है, है तो उसके सद्भाव की अपेक्षा उनके उपचार से अस्तित्व का निर्देश किया है कि हाँ भैया है 11 परीक्षाओं का अस्तित्व। पर कार्य रूप से क्षुधादि परीक्षा जिन भगवान के नहीं होते, इसलिए इस दृष्टि से न संति इस वाक्य शेष की योजना कर वहां उनका निषेध किया है। मैंने एक अर्थ उन्होंने ये भी किया उसका, जब उन्होंने देखा कि यार ये तो उल्टे ही अर्थ कर रहे हैं, तो टीकाकार ने अर्थ किया कि ये अर्थ निकालना कि भगवान के जो दुनिया वाले 11 परीक्षा कहते हैं ये 11 परीक्षा उनके नहीं होते, वेदनी ए एकादशे जिन्हें, तो कह रहे न और जोड़ दो वहां पर, है न एकादश जिन्हें न संति, न एकादश जिन्हें, मैंने एकादश जिन्हें, मैंने एकादश परीक्षा इनमें नहीं होती, जो दुनिया मान रही है वो परीक्षा नहीं होती। जब देखा कि अर्थ उल्टा कर रहा आदमी, तो उन्होंने कहा साहब उन्होंने तो इस तरह से सूत्र रचा था, बोलो
एकादशी, ये 11 परिश्रम के नहीं होते। अने जो वेदनी के उदय से होती है, हम ये कह रहे हैं कि उनके वेदनी का उदय होते हुए भी ये 11 परिश्रम नहीं है। टीकाकार होते ना, टीकाकार को क्या रहता है, टीकाकार के पास पूरी स्वतंत्रता रहती है, ऊपर से क्या लेके आना, नीचे से क्या लेके आना। दूसरे क्या है, व्याकरण से वो अर्थ निकालते हैं, तो यदि वो संदर्भ में अर्थ बैठता हो, ये मेरे को भी इतनी व्याकरण इतनी नहीं है मेरे की वो मैं बता दूँ कि किस सूत्र से उन्होंने वो न संति अर्थ लगाया है, लेकिन वो बिना व्याकरण के नियम के तो वो भी नहीं लगा सकते, वो रूल से ही लगेगा अर्थ। तो वो कहते हैं कि हमारे पास रूल्स है, अब वो कौन सा है उन्होंने टीका में नहीं बताया, जो व्याकरण वाला होगा उसको अपन लेके आएंगे तो बता देगा कि इस रूल के हिसाब से ये अर्थ भी यहाँ निकल सकता है कि आप इसमें न जोड़ सकते। देखो इसमें कहीं ऊपर होगा भी कहीं नहीं दिखा, कई बार तो अपन ने ऊपर जोड़ा तो है अर्थ कि ये ऊपर से लेते आना, ऊपर से लेते आना, ऊपर से लेते आना, क्या हाँ। तो वो यहाँ भी इन्होंने कहा कि हम जो है इसके अंदर यही अर्थ करेंगे कि ये चीज इसके अंदर में नहीं है। अब यहाँ यह देखना है कि जिन भगवान के क्षुदा आदि 11 परिश्रम नहीं होते, ये कैसे समझा जाए। अभी अपन कैसे समझे, अभी तो सब सूत्र की बात हो गई था, अभी अपन समझे कैसे इस काल में, क्योंकि वे इस काल में पाए तो जाते नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष देखकर तो ये जाना नहीं जा सकता। ये क्या है, भगवान के स्वरूप को विपरीत करने में सबसे बड़ा लोगों को क्या है बल इस बात का है, भगवान होती ही नहीं इस काल। जैसे मैंने कहा स्त्रियों को मोक्ष होती है, तो अब मेरी इस बात का आप खंडन कैसे करोगे कि वर्तमान में मोक्ष किसी को ही नहीं दिया। मैं कह स्त्री को हो जाए, भील को हो जाए, चांडाल को हो जाए, चाहे जिसको मैं कह दूँ, मेरे क्या जा रहा है। अब तुम उसका खंडन करो, और तुम्हारे पास खंडन करने का आधार क्या, तुम तर्क से ही करोगे ना, प्रत्यक्ष तो तुम हमको दिखा नहीं सकते। जब तक केवली भगवान होते थे तब तक तो कोई बात चल ही नहीं सकता था, क्योंकि उस काल में साक्षात केवली भगवान थे, उनकी वाणी से और साक्षात केवली के दर्शन आदि से ये बात क्लियर थी कि भाई इनका स्वरूप तो ये। अब पीठ पीछे कोई कुछ भी कहे तो अपन क्या करो, तो इसलिए केवली भगवान तो ही प्रत्यक्ष है नहीं। तो भी अपने को निर्णय करना है कि ये 11 परिश्रम उनके कैसे नहीं होते। एकमात्र आगम को पुष्ट करने वाली युक्तियां शेष रहती है अपने पास में, जिनके अवलंबन से बात समझी जा सकती है, अतः यहाँ उन्हीं का निर्देश करते हैं। हम तुमको भी आगम के माध्यम से समझाते हैं कि भगवान तो यहाँ है नहीं। देखो केवली जिनके शरीर में निगोद और त्रस्त जीव नहीं रहते, ये तो प्रसिद्ध है ना, जो जो चीजें सामने वाला भी मानता है उनका उदाहरण दिया है। श्वेतांबर मत में भी ये बात प्रसिद्ध है कि केवली भगवान के शरीर में निगोद और त्रस्त जीव नहीं होते। निगोद या जीव कब तक होते हैं, 12वें गुरुस्थान के अंत समय तक। क्या होता है कि एक निगोद की मैक्सिमम आयु कितनी होगी, जितनी भी होगी समझ लो अंतर्मन की चाहिए, तो जितनी भी निगोदिया की मैक्सिमम आयु होती है उतना काल 12वें गुणस्थान में शेष रहने पर नए निगोद जीव की उत्पत्ति बंद हो जाती है। तो लास्ट में कोई जीव पैदा भी हुआ तो मैक्सिमम आयु जिएगा, उसके बाद तो रहेगी, और नया कोई उत्पन्न हुई नहीं उस बीच काल में, तो क्या होगा, शरीर सब निगोदिया जीवों से रही जाएगा। क्योंकि एक जना ये भी क्या है, इसमें ये भी प्रश्न आता है कि भगवान निगोदिया जीव को मार डालते, क्या मार डालते, अरे निगोदिया को क्या मानेंगे, निगोदिया उत्पन्न नहीं होते इसी रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी को नहीं मारते भाई, नए उत्पन्न नहीं हो रहे, पुराने अपनी आयु से मर गए, क्या अपने घर में कोई नया पैदा नहीं हो रहा और कोई जो बुजुर्ग थे वो सब चले गए, तो ये तो नहीं कहेंगे कि भाई इन्होंने मार डाला सबको इस घर के अंदर। केवली जिनके शरीर में निगोद और त्रस जीव नहीं पाए रहते, अब निगोद ही नहीं रहते तो त्रस कैसे रहेंगे, अपने शरीर में एक नहीं है सब है, ये तो भूल। उनका छीनव गुणस्थान में अभाव होकर, निगोदियाओं का और त्रस जीवों का अभाव हो जाता है छीनव गुणस्थान में अभाव होकर, वे परम उदारिक शरीर के धारी होते हैं। अनंत भगवान का क्या होते हैं, उनका शरीर उदारिक नहीं, कौन सा है, परम उदारिक,
माने न तो उसमें निगोदिया जीव है न त्रस जीव। अतः भूख प्यास और रोगादिक का कारण नहीं रहने से उन्हें भूख प्यास और रोगादिक की बाधा नहीं होती। भाई परम उदारिक शरीर में वो सब चीज़ें नहीं होती, वैक्रियक शरीर में ये चीज़ें नहीं हो गए, और परम उदारिक शरीर में ये हो जाए तो भगवान का शरीर तो देवों से भी हीन हुआ। देवों के तो चीज नहीं है, तुम देवों के तो मान लेते हैं कि हाँ उनके भूख प्यास नहीं लगती, तो भैया उनको क्यों नहीं लग रही है, सर उनका शरीर ही ऐसा है। तो हम भी कह रहे हैं ना भगवान का शरीर परम उदारिक है, उदारिक नहीं है, अब वो कौन सा है परम उदारिक, तो उसमें भी नहीं लगती। देवों के शरीर में इन जीवों के न होने से जो विशेषता होती है उससे अनंत गुणी विशेषता इनके शरीर में उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो परम उदारिक है। दूसरा, श्रेणी आरोहण करने पर प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग उत्तरोत्तर आनंद गुणा बढ़ता जाता है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय आनंद गुणाहीन होता जाता है। इसलिए तेरहवें गुणस्थान में होने वाला असाधा प्रकृति का उदय उतना बलवान नहीं होता कि जिससे उसे क्षुदादि कार्यों का सूचक माना जा सके। समझ में आया कुछ, क्या समझ में आया? अरे वो भगवान श्रेणी चढ़ रहे हैं, प्रति समय आनंद गुणी विशुद्धि बढ़ रही है, जिसके बल से चार घातिया कर्मों का नाश हो जाए, तो क्या अघाती का परिणाम इतना नहीं बदलेगा कि वो सारी की सारी असाता सातारूप परिणाम जाए, और जो कुछ बच गई तो वो क्या उसकी क्या ताकत है, जिसके जिस परिणाम से चार घाती कर्म निपट गए, अब उन परिणामों से यदि साता का अनंत गुना अनुभाग बढ़ जाए और असाता का अनुभाग अनंत गुना कम हो जाए तो उसमें क्या आश्चर्य। श्रेणी चढ़ के आए ना वो, और श्रेणी चढ़ने के काल में उन्होंने प्रति समय अनंत गुणी वितरागता प्राप्त की कि नहीं की, तो उस अनंत गुणी वितरागता से यह पाप का अनुभाग और पुण्य का अनुभाग में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? तो अब फिर तुम कैसे कह रहे हो एक तरफ तीर्थंकर प्रकृति का उदय और दूसरी तरफ इतने सड़ा कर्म का उदय है? सामान्य लोगों के भी जब मुनि अवस्था में ही इस तरह की चीजें नहीं कही जाती उनका, अरे गृहस्थ अवस्था में जिनके निहार नहीं कहा गया और उनको तुम तीर्थंकर अवस्था में रोक के रहे, तो बुद्धि में ताले पड़े इनका और क्या है? हम कह रहे हैं गृहस्थ अवस्था में भी उनके निहार नहीं होता है, और ये भाई साहब इतनी आगे बढ़ गए कि इन्होंने तीर्थंकरों को हाँ वो तो बताया था पिछली बार। तो इसलिए श्रेणी आरोहण करने पर प्रशस्त प्रकृति माने पुण्य प्रकृति का अनुभाग अनंत गुना बढ़ रहा है उत्तरोत्तर, और अप्रशस्त माने पाप प्रकृति का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना क्या होता है हीन होता जाता है। इसलिए साता असाता बची भी तो वो असाता बची लेकिन उसमें कुछ बलपना बलवान पना नहीं। दो पॉइंट हो गए, अब तीसरा सुन, जैसे परीक्षा में आते हैं सारे के सारे पॉइंट, अपनी परीक्षा अपने इस तरह की होगी तो अपनी पूछ लेंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस एक सूत्र पे न्याय की किताबें लिखी हुई, वो सब श्वेतांबर मत को लक्ष्य कर, इस एक सूत्र के ऊपर श्लोक वार्तिक राजवार्तिक के अंदर पन्ने के पन्ने भरे हुए और उसके आधार से लिखा हुआ है। असाता की उदीर्णा छठे गुणस्थान तक ही होती है, आगे नहीं होती है। उदीर्णा मतलब समझे क्या हो, क्या होता है उदीर्णा? हाँ, तो उदीर्णा के अंदर कार्य होता है तीर उदय और उदीर्णा। असाता का तीर उदय नहीं होगा और तीर उदय या उदीर्णा नहीं होगी तो भूख वगैरह नहीं होगी, और असाता की उदीर्णा छठे तक ही होती है, आगे नहीं होती। इसलिए उदीर्णा के अभाव में वेदनी कर्म क्षुदा आदि रूप कार्य का वेदन कराने में असमर्थ, बिना उदीर्णा के भूख प्यास आदि का वेदन होना असंभव, या तो उदीर्णा हो या तीव्र उदय हो, तो ना तो छठे के ऊपर तीव्र उदय है न उदीर्णा है। जबकि केवली जिनके शरीर को पानी और भोजन की आवश्यकता नहीं रहती तब इनके न मिलने से जो क्षुदा और तृषा होती है वो उनके हो ही कैसे सकती है? भाई जब उनके शरीर को जरूरत ही नहीं है भूख पानी की और खाने की, तो नहीं पानी मिलने से उनको भूख प्यास कैसे लग जाए? मेरा शरीर ही ऐसा बना हो
कि जिस शरीर को आहार पानी की आवश्यकता ही नहीं है, तो अब क्या मेरे छुटा और तृषा खिलाएगी क्या? तो उनका शरीर परम उदारी वो किसका ग्रहण करता है? उनके आहार कहा है ना, किसका आहार कहा है? उनके नौ कर्म परमाणुओं का आहार कहा, माने शरीर के योग्य परमाणु ग्रहण करते हैं, वो ये कौला आहार ग्रहण ही नहीं करते। तो जब उनको कौला आहार का ग्रहण ही नहीं होता है, जिस चीज़ की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, जो चीज़ मैं ग्रहण ही नहीं करता, और आप ये कह रहे हो कि साहब उनको चूंकि वो मिला नहीं है इसलिए उनको वो भूख लग रही, जो वो लेंगे ही नहीं, मैंने जिसको खाना ही नहीं है, जिसका उपवास है, उसको तुम कह रहे हो उसको छुटा परीक्षा होगी है जो, और वो उपवास वाला तो फिर भी उदाहरण नहीं बैठता है, लेकिन यहाँ तो वो लेना ही नहीं है ना, उनके शरीर भोजन और पानी को ग्रहण ही नहीं करता है। वेदनी कर्म का कार्य कुछ शरीर में पानी तत्व और भोजन तत्व का अभाव करना नहीं है, वास्तव में इनका अभाव अन्य कारणों से होता है। क्या मैंने असाता असाता कर्म ये नहीं करता, असाता वेदनी काम ये नहीं है कि उनके शरीर में भोजन पानी निकाल रहा हो, अरे असाता वेदनी का काम बहुत चीजों से होता है, इनका अभाव अनेक कारणों से होता है। हाँ, इनका अभाव होने पर इनकी पूर्ति के लिए जो वेदना होती है वह वेदनी कर्म का काम, माने शरीर में क्या कह रहे हैं वो, शरीर में भोजन पानी की कमी असाता वेदनी के कारण से ही नहीं हुई। हाँ, भोजन पानी की कमी होने पर जो भूख लगती है, प्यास लगती है, वो जरूर असाता वेदनी के उद्देश्य होती है, लेकिन उनके शरीर में जब भोजन पानी की कमी नहीं है तो उससे होने वाली वेदना उनके भला कैसे हो? सो जबकि केवली जिनके शरीर में उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती है, तब वेदनी के निमित्त से तज्जनित वेदना कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती है। ओके, तीन पॉइंट। चौथा, केवली जिनके साता का आश्रय सदाकाल होने से उसकी निर्जरा भी सदाकाल होती रहती है, इसलिए जिस काल में असाता का उदय होता है उस काल में केवल उसका ही उदय नहीं होता, किंतु उससे अनंत गुणी शक्ति वाले साता के साथ वह उदय में आता है। किसके साथ उदय आता है? साता के साथ वह असाता उदय आती है। तो जब साता इतनी सारी है और इतनी सी वहाँ अनंत इतनी अनंत अनंत भाग असाता का उदय भी आया, माने जब समुद्र भर के अमृत है और उस अमृत का उदय आ रहा है तो उसके बीच में एकाध जहर की बूंद भी आ गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। माना कि उस समय उसका स्वमुख उदय है और वह प्रति समय बनने वाले साता कर्म परमाणुओं की निर्जरा के साथ ही होता है, इसलिए असाता का उदय वहाँ चुदादि रूप वेदना का कारण नहीं हो सकता। चार पॉइंट हो गए। पांचवा, सुख दुख का वेदन वेदनी कर्म का कार्य होने पर भी वह मोनी की सहायता से ही होता है। सुख दुख का वेदन यद्यपि वेदनी का कार्य है तो भी मोह होगा तो ही सुख दुख का वेदन होगा, और यथा मैंने चूंकि केवली जिनके मोनी का अभाव होता है, अतः वहां चुदाधिक वेदनाओं का सद्भाव मानना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। इन प्रमाणों से निश्चित होता है कि केवली जिनके चुदाधि परिषद चुदाधि ग्यारह परिषद नहीं होता। स्वमुख से उदय आता है, असाता क्या है, साता रूप से उदय में नहीं आती। कुछ प्रकृतियां ऐसी होती है जो खुद अपने मुख से उदय में नहीं आती, दूसरे के मुख से उदय आके उनका क्षय हो जाता है। तो कह रहे हैं कभी ऐसा हो कि असाता साता के मुख से आ रही हो तो हम कह सकते हैं कि असाता है ही नहीं, क्योंकि वो अपने मुँह से आ ही नहीं रही है, तो असाता आ तो अपने मुँह से ही रही है, मैंने स्वमुख से मैंने असाता असाता के मुख से ही आ रही है उदय में, लेकिन फिर भी उसी समय साता का उदय होने पर भी वो असाता अपना काम करने में समर्थ नहीं। अब कहते हैं यदि सूक्ष्म सांप्रदाय आदि में अलग अलग परिषद होते हैं तो मिलकर वे सब कहाँ होते हैं? आपने यहाँ इतने कह दिए, यहाँ इतने कह दिए, ये बताओ ये सारे के सारे कहाँ होते हैं? आप तो ग्यारह भी कह रहे हो यहाँ पे, तो ये सब के सब जहाँ हो, मैंने सब कर्मों के कर्म के उदय की अपेक्षा से कह रहे हो, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सब कर्मों का उदय होता है या सारे परिषद होते हैं? तो ये बतलाने के लिए आगे का सूत्र देते हैं। क्या? हाँ, बादल सांप्राय सर्वे, बादल सांप्राय में सब परिषय संभव, सब सांप्राय कषाय को कहते हैं। सांप्राय का क्या अर्थ है? कषाय, और जिसके सांप्राय माने कषाय बादल होती है वो बादल सांप्राय कहलाता है। ये गुणस्थान विशेष का ग्रहण नहीं है, माने किसी एक गुणस्थान का ग्रहण नहीं है बादल सांप्राय कहने से। तो क्या है? सार्थक निर्देश,
साधन निर्देश मतलब इससे प्रमत्ताधिक संयतों का ग्रहण होता है, मैंने इससे 6 से लेकर 9 तक सब लगेगा, जहाँ तक सूक्ष्म सांप्राय नहीं वहाँ तक सब क्या है बादर सांप्राय। तो सूक्ष्म सांप्राय कहाँ है 10वें, तो उसके पहले तक सब क्या है बादर सांप्राय। और मुनिराज की परीक्षा होती है, मुनिराज के गुणस्तर कौन सा होता है, कहाँ से चालू होता है 6 से, तो 6 से 9 तक सब क्या है इस सूत्र की अपेक्षा। वैसे तो पहले वाले ही बादर सांप्राय, लेकिन यहाँ मुनिराज की परीक्षा की चर्चा चल रही ना, तो 6 से 9 तक के बादर सांप्राय जी और उनके कितने परीक्षा है सब 22 के बीच। इनमें कषाय और दोषों के अथवा कषाय दोष के छीन न होने से सब परीक्षा संभव, यानी इनकी कषाय भी है दोष भी है, अथवा यूं कहे कषाय रूपी दोष है वो छीन नहीं हुआ है, इसलिए इनके सब परीक्षा संभव। शंका, तो किस चारित्र में सब परीक्षा संभव है, तो देखो चारित्र के भी नाम बताए गए, चारित्र कितने हैं है? 5 5 कौन कौन से, 6 तो पश्चापना यथा क्या। अब मैं चारित्र की अपेक्षा से पूछू सूक्ष्म सांप्राय में कितने परिचय है, 14 यथा ख्यात में 11 पक्का, और 11वें 12वें गुण स्थान कहाँ जाएंगे, वो कौन से गिलाएंगे चाहित वाले हैं, केवली भगवान की अपेक्षा का अपन तो मैक्सिमम निकालते हैं ना, जब भी चर्चा होती मैक्सिमम, तो यथा क्या चाहित वाले कितने होंगे, अरे तो वो उनको तो लेना ही है, नहीं तो देखो जिनेंद्र भगवान तो 14वें को भी कहते हैं सिद्धों को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ परीक्षा की अपेक्षा जिनके होती है मैक्सिमम लेना ना अपने को, तो इसलिए यथा क्या चाहित में कितने परीक्षा है 14, सूक्ष्म सांप्राय में उसमें भी 14, अब बच्चे कितने चाहित 3, तो उनमें बता रहे हैं सामायिक, 6 तो प्रस्थापना और पर्याय विशुद्ध संयम, इनमें से प्रत्येक में सब परीक्षा संभव 22 की 22। ठीक है, बाकी कल करेंगे।